नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जल जीवन का भ्रष्टाचार, मामा तेरा शिष्टाचार, विधायक सांसद बोर करे घर आंगन के छोर करे जैसे नारों के साथ एक बार पुनः जल जीवन जागरण यात्रा के छठे चरण में गंगेयोर जनपद और सिरमौर तहसील के चौरी ग्राम पंचायत में बूंद बूंद पानी के लिए परेशान ग्रामीणों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जल जीवन मिशन में व्यापक भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। जगह जगह सड़कें खोदकर कम गहराई में प्लास्टिक पाइप लाइन डाल दी गई है, जो असफल योजना को जगह जगह चरितार्थ कर रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जिन ग्राम पंचायतों और गांवों में जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइप डाला जाकर और टंकी बनाया जाकर पानी सप्लाई होना बता रहे हैं, वहां के हाल बेहाल हैं। कागजों पर तो जल जीवन मिशन की योजनाएं संचालित हो रही हैं और लोगों के घर घर नल से पानी भेजा जाना बताया जा रहा है, लेकिन मौके पर देखने पर पता चलता है कि ठेकेदार कमीशनखोर अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी प्रमाण पत्र लेकर सरकार को भ्रमित कर दिए हैं और कहीं भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। विधायक और सांसद निधियों से कराए जाने वाले नलकूप रसूखदारों के घर आंगन और खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। विधायक और सांसद निधियों के नलकूपों में कमीशनखोरी का खेल खेला जा रहा है, जिसमें दलाल 20 से 25,000 रुपए लेकर लोगों के खेतों में सरकारी ट्यूबवेल करवा रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर जहां पानी की सख्त आवश्यकता है वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा जल जीवन जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो अब चौरी गांव पहुंच चुकी है, जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के बीच भी पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझा गया और शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यात्रा के दौरान बुजुर्गों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर डिब्बे बाल्टी लेकर प्रदर्शन किया। का नाम है अपना के? नहीं नहीं बोल सकी था अपना के नाम। ये अपना पंचे का आइडेंटी कर रहे हैं, के बोर से पानी ले रहे हैं? ये सरकारी आए? सरकारी बोर आई है? अच्छा, तो कितना लोग अंटे एकत्रित होता? अरे दो सौ तीन सौ। ये रोज का किस्सा आए? ये पाइप नहीं आए का घर घर? नहीं को। अच्छा, तो ये का व्यवस्था अपना पंचे सरकार से चाहिए थी? मामा तो अच्छा, अपना समस्या है पानी का दुख है जी महाराज, पानी का चाहिए। हाँ, पानी का दुख है महाराज, बड़ा दुख है, समस्या है। डब्बा लिए मैंने खड़े रहे। मेरा नाम सुनील कुमार कौल है, मैं चौरी पंचायत का रहने वाला हूँ। यहाँ पानी की बहुत समस्या है। यहाँ आए पानी पाइप डालने वाले तो पाइप अधूरा काम करके चले गए हैं, कुछ बस्तियों में पाइप भी नहीं गया है और यहाँ पानी पानी में पाइप तो आया ही नहीं है, हैं? और टंकी उंकी तो बनी ही नहीं है, अन्ना बोर है, एक ठे बोर है तो उसमें हजारों पब्लिक रहते हैं, उसमें पानी पीते हैं उसी बोर से। मैं मोहनलाल साकेत ग्राम चौरी के निवासी हूँ। अब यहाँ पानी की समस्याएं अनंत है और इस जगह पाइप गवर्नमेंट तो दिया लेकिन पाइप अधूरा करके छोड़ दिए, कुछ बस्तियों में पाइप भी नहीं गई है और जो कुछ किए हैं तो धमकी भी बता देंगे, क्या कर लोगे, जो हुआ तो देंगे, ना ही बोर किया है ना टंकी बना है, अपना कोटा पूरा कर दिए, पब्लिक को बर्बाद करके चले गए। सरपंच ग्राम पंचायत चौधरी, हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। यहाँ एक स्थान पर चलता है तो हजारों डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं, पानी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। हाँ, यहाँ टंकी के लिए पानी जल देने के लिए पाइप दसवा दिए हैं, पाइप दसा करके न कोई टंकी बनी है न कुछ बना है, अब यहाँ पानी के लिए विशेष परेशानी है। समस्या ऐसा है भैया कि पानी बरसत है, पानी भर जाता है एक बात और दूसरे पानी नहीं है, पिया का पानी नहीं है, हमका बजर का पानी पिया का नहीं है, चारू पत्ती ले डब्बा चारू पत्ती बागी थे, अब भीतर पानी भर जाता भैया, भीतर का था एक पानी नहीं है,
के पिए का मिला या के कागज भीतर पानी भर जाता है वह मनाई नाली बनवाई है अधूरी पाई बिकाई के चले गए हमारा एक हमका पाई के मानो चारू कर लिया डब्बा बागी थे भैया।